आमिर हसन हेयर एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स मुझे लिखे और मुझसे आपने कांटेक्ट किया डिफरेंट क्वेश्चन से रिलेटेड पीजीसी के बारे में। और आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि उन तमाम क्वेश्चंस को एड्रेस करूँ और ताकि आप लोगों की कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन था स्कॉलरशिप से रिलेटेड या फंडिंग से रिलेटेड कि क्या यूके गवर्नमेंट या यूके की यूनिवर्सिटीज़ आपको पीजीसी करते हुए स्कॉलरशिप्स देती हैं या नहीं देती। अनलाइक अदर कोर्सेस देर आर फ्यू एक्सेप्शंस इन पीजीसीई जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है या बर्सरी मिल सकती है। अभी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 2023 to 2024 सेशन व्हाट हैपेंड इज यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस की हैं स्कॉलरशिप्स एंड बर्सरीज फॉर फोर सब्जेक्ट्स और वो सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, जर्मन, फ्रेंच एंड स्पेनिश। अगर आप अपनी पी जी सी सेकेंडरी इन चार सब्जेक्ट्स में करना चाहते हैं या इन चारों में से किसी एक सब्जेक्ट में आप पी जी सी करना चाहते हैं तो येस यूके गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू गिव यू बर्सरी और स्कॉलरशिप। और वो बर्सरी जो है वो इतनी होती है कि आप उससे यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस निकाल सकें और अपनी लिविंग कॉस्ट भी यहाँ पर यूके में निकाल सकें। और उसके अलावा इन सब्जेक्ट्स में अगर आप पी जी सी करने आ रहे हैं तो एक इंटरनेशनल अलाउंस भी यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है तकरीबन 10,000 pounds का, जो बेसिकली कहा जाता है सेटलमेंट अलाउंस कि अगर आप दूसरे मुल्क से यहाँ पे आ रहे हैं तो ज़ाहिर है आपने वीज़ा फ़ी पे करनी है और IHS चार्जेस पे करने हैं, तो येस यू कैन गेट दैट एज़ वेल। लेकिन जो बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जैसे केमिस्ट्री है या मैथमेटिक्स है या कोई और सब्जेक्ट्स हैं पीजीसी सेकेंडरी के, जो मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, अभी फ़िलहाल उनमें स्कॉलरशिप्स नहीं हैं। लेकिन ये वाला साल 2023 से 2024 ऑब्वियसली इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो ऑलमोस्ट क्लोज होने को हैं और बाहर से एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कोर्सेज में इनरोल करना फॉर दिस ईयर इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल क्योंकि जो कोर्स की डेडलाइन है वो है 5 September। लेकिन जो नेक्स्ट कोर्स साइकिल स्टार्ट होगा 2024 से 2025 में, आई बिलीव के देर विल बी स्कॉलरशिप्स एज वेल या बर्सरीज क्योंकि यहाँ पर टीचर्स की शॉर्टेज है और वो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया से लोग अट्रैक्ट हों टीचिंग प्रोफेशन में, ना सिर्फ यहाँ यूके के लोग बल्कि बाहर से भी लोग यहाँ पे एज अ टीचिंग प्रोफेशन को ऑप्ट करें। तो ये तो होगी पहली बात एंड देन यू कैन कीप लुकिंग एट वेबसाइट्स या आप वीडियो सेक्शन के कमेंट्स में भी लिख सकते हैं और जो भी मेरे पास अपडेट आएगी मैं आप लोगों को उस अपडेट के बारे में बताता जाऊँगा। जो दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया जो काफ़ी लोगों ने पूछा वो ये था कि क्या आप टीचिंग ट्रेनिंग करने के बाद यूके में एज अ स्किल वर्कर काम कर सकते हैं। द आंसर इज़ एब्सोल्यूट येस क्योंकि यहाँ के अंदर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या यूके के स्टेट स्कूल्स हैं उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो कि बेसिकली टीयर टू वीज़ा के लिए स्पॉन्सरशिप इशू कर सकते हैं। और रिसेंटली आई हैव गॉट टीयर टू वीज़ा बेस्ड ऑन माय जॉब इन द यूके। मैं भी लास्ट ईयर एज अ स्टूडेंट वीज़ा पे आया था और मेरे जहन में बहुत से क्वेश्चन थे जिस तरह भी आप लोगों के जहन में हैं कि फ्यूचर क्या होगा, लेकिन मैंने रिस्क लिया यहाँ पे आके पी जी सी कोर्स को कम्प्लीट किया एंड देन आई गॉट रिवॉर्डेड बाई गेटिंग अ टीयर टू वीज़ा एंड आई वॉज ऑफर्ड स्पॉन्सरशिप लेटर बाय अ स्टेट स्कूल इन द यूके। उसके अलावा जो तीसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है वो ये है कि अब पी जी सी कोर्स को आपने अप्लाई कैसे करना है। मैंने जैसे पहले बताया कि मेरी वीडियोज़ के अंदर कि उसके क्या प्रोसीजर्स हैं और क्या कौन कौन से लिंक्स हैं, लेकिन जब ये कोर्स अभी नेक्स्ट ईयर के लिए स्टार्ट होगा यानी कि 2024 से 2025 की इनटेक के लिए उसकी एप्लीकेशन अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएंगी। और जैसे ही वो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो मैं एक अपनी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा उससे रिलेटेड। अपने आप को अगर आप यूके में आना चाहते हैं और सेटल होना चाहते हैं और एज अ टीचर आना चाहते हैं तो आप अभी अपनी से तैयारी अपनी तैयारी जो है वो अभी से शुरू कर लें और देख लें कि आप किस शहर में आना चाहते हैं, वहाँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं या जो टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स प्रोवाइडर्स हैं वो अवेलेबल हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ना शुरू करें क्योंकि विदाउट रिसर्च विदाउट गोइंग टू इंटरनेट आप कई चीज़ें जो हैं वो नहीं जान सकते, आपको ख़ुद से भी कुछ रिसर्च करनी होगी। एंड आई एम हेयर, जब मैंने यूके के लिए अप्लाई किया था फॉर पीजीसीई मेरे पास बहुत कम मटेरियल था, लेकिन आई एम हेयर एंड आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस। सो प्लीज़ राइट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, स्टे ट्यून्ड फॉर माय वीडियोस। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियोस बनाता रहूं और आप लोगों को अपडेट करता रहूं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।